गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। करीबन 19,440 के आसपास मार्केट खुलता हुआ नज़र आया। पिछली क्लोजिंग से अगर बात करें तो करीबन 50 पॉइंट आसपास बाज़ार की गैप अप ओपनिंग हुई। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद बाज़ार शुरू के एक घंटे में ज़बरदस्त क्रैश हुआ। वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो करीबन बाज़ार में 80 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। 80 पॉइंट के गिरावट के बाद बाज़ार ने जो है धीरे धीरे उस लेवल को मेंटेन करते हुए सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए वहाँ पे बाइंग जोन क्रिएट करते हुए बाज़ार ने अप ट्रेंड देना स्टार्ट किया वहाँ से, और बाज़ार ने एक शानदार रिकवरी के साथ बाज़ार क्लोजिंग किया। क्लोजिंग की अगर बात करें तो पिछले 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे रहा मार्केट। वैसे तो यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, अगर हम लोग डे चार्ट में देखें निफ्टी के, तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट जो है हायर हाई बना रही है और लोअर लो बना रही है। यानी कि लो जो है वो लोअर साइड पे होते जा रहे हैं और आपके हाई जो है वो हायर साइड पे होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर माइल्डली बुलिश ट्रेंड। माइल्डली बुलिश ट्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा स्विंग नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट हमेशा गिरने के बाद ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। मेजर सपोर्ट की बात करें तो 19,280 19,300 के आसपास मेजर सपोर्ट लेवल, बाज़ार ने ज़बरदस्त तरीके से इसको मेंटेन किया है। अगर मैं बात करूँ 7 जुलाई की, तो बाज़ार उन दिनों भी इसी लेवल से जो है मेजर सपोर्ट लेवल बनाता हुआ दिखाई दिया। और अगर मैं बात करूं करीबन 3 अगस्त के बारे में, तो 3 अगस्त को भी 19,300 के आसपास मेजर सपोर्ट दिखाई दिया। उसके बाद बाज़ार हालांकि 1,650 तक ऊपर गया और देन अगेन हमें वही लेवल 19,300 के पास दिखाई दिए, और आज बाज़ार वहां से करीबन 225 ऊपर आ चुका है। सिंपली यहाँ पे मैं एक टेक्निकल स्टेटमेंट भी देना चाहूँगा कि जब बाज़ार आपको किसी भी लेवल से अप ट्रेंड देता हुआ दिखाई देता है और दूसरी बार आके बाज़ार वहीं से रिवर्स करने लगे, तो तीसरी बार जो है वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है उसी लेवल से बाइंग बनाने की। मेजरली अगर आप देखेंगे तो तीसरी बार जब बाज़ार उसी सपोर्ट को टेस्ट करके वापस मुड़ता है तो वो शानदार रिकवरी के साथ वहाँ पे आपको क्लोजिंग दिखाता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ केवल और केवल आप इस यहाँ के इस एरिया का एक स्टॉप लॉस लेकर के आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन बाइंग बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपना पेयर ट्रेडिंग जो है आप उसको मेंटेन करें, आप नेकड पोजीशन ना बनाएं। मार्केट कैन बी किसी भी डायरेक्शन में जो है मार्केट कभी भी मोमेंटम ले लेता है, तो उसमें सबसे बेटर ऑप्शंस ये रहेगी कि आप पेयर बना के अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेस्ट ये रहेगा आपके पास अभी कि अगर आपने इसमें पेयर बना के पोजीशन बनाई तो एटलीस्ट मार्केट जो गैप अप गैप डाउन के साथ ज़बरदस्त तरीके से बाज़ार परफॉर्म, कई बार निराशा मिलती है ट्रेडर्स को, तो उस लेवल पे आप अपनी पोजीशन की जो है सेफ्टी बना के अगर रखेंगे तो आप लॉस से बचे रहेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप पेयर ट्रेडिंग ही यहाँ पे हमेशा जो है करें, नेकड पोजीशन मत बनाइए। नेक्स्ट टॉक अबाउट वीकली बेसिस पे मार्केट क्या कह रहा है। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे 4 रेड कैंडल कंटिन्यूसली बनने के बाद, यानी कि 4 हफ्ते मार्केट जब नेगेटिव दिखने के बाद जो है बाजार में अब ग्रीन कैंडल तीसरे दिन भी ट्रेडिंग सेशन में मेंटेन रही और यहाँ से माइल्डली बुलिश का एक और सिग्नल अब यहाँ से मार्केट दिखा रहा है। तो सिंपली आई वुड से कि ये हफ्ता भी
थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से मार्केट जो है दिखाई दे रहा है, करीबन 19,550-600 हो सकता है कि लेवल आपको वापस से देखने को मिले। बात करूंगा FIDI डेटा के बारे में। FII 614 करोड़ की बाइंग कैश सेगमेंट में, 125 करोड़ की बाइंग DII की तरफ से, तो करीबन 739 करोड़ की बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये भी एक माइल्डली बुलिश ट्रेंड के लिए छोटा सा सिग्नल है कि ओवरऑल FII भी जो है दे आर लुकिंग माइल्डली बुलिश दिस वीक। द एमर्जिंग मार्केट ऑफ द इंडिया। नाउ अगर मैं बात करूं कि बाजार जो है, अगर आप देखेंगे कोई ज्यादा बड़े हाई लेवल स्ट्रेस नहीं कर रहा है, बट पॉइंट इज कि बाजार जब भी डेली नीचे पहले ऊपर खुलता है या गैप अप, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देता है, उसके बाद बाजार में एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलती है और उसके बाद बाजार जो है अपने अपवर्ड ट्रेंड में दिखाई देता है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जब बाजार एक रिपीटेड बिहेवियर में काम कर रहा हो तो समझ लीजिए कि वो वहां से जो है, एटलीस्ट अगर ये ट्रेंड ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो बाजार धीरे धीरे यहाँ पे जो है अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। इट इज इंडिकेटिंग क्लियरली कि बाजार यहाँ पे ऊपर जाने के मूड में है। ऊपर जाने के लिए मैं अगर बात करूं तो 19,650 का लेवल जो हमने 3 अगस्त के आसपास जो है, 3 अगस्त के आसपास अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे था 19,300 के आसपास, और करीबन 9 अगस्त यानी कि करीब सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दे दिया था। तो यहाँ पे भी वही बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा। चलिए एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक आपको झलक दिखाता हूँ, शायद माइट भी आप वहां से जो है ये देखिए क्या स्वीट यहाँ पे ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है। सो पॉइंट इज, तो यहाँ से एक सपोर्ट 1 जिसे हम पहचान नहीं पाए, सपोर्ट 2 हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, सपोर्ट 3 एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अगेन, और यहाँ से बाजार वापस से 550-600 की तरफ मुड़ सकता है चांसेस। इंट्राडे हमने बात की, डे की बात की हमने, वीकली बेसिस पे बात की, FII डेटा के बारे में बात की। नाउ अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करता है कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो मार्केट में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, इसको करते हैं डिलीट। तो गैप अप ओपनिंग के लिए अगर मैं कहूँ, यस, तो गैप अप ओपनिंग अगर बाजार में होती है तो बाजार आज जैसे 19,444 के आसपास की क्लोजिंग दी है निफ्टी स्पॉट ने, तो गैप अप ओपनिंग अगर बाजार यहाँ से करीबन यहाँ पे ओपनिंग करता है तो बाजार में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। यस, सो गैप अप ओपनिंग कितनी, करीबन मान के चलते हैं कि 25-30 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग यहाँ पे अगर बाजार करता है तब भी आपको जो है कल के लो के आसपास बाजार फिर से रीटेस्ट कर सकता है। और अपर साइड पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा और ऊपर लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब दूसरा सिनेरियो हम लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने ये मान के चलते हैं कि 19,480-490 का लेवल अपसाइड और 19,370 का लेवल डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट ये रहेगी इसमें ट्रेडिंग करने की, ऐसे सिनेरियोज में सेल ऑन प्रीवियस डे हाई, बाय ऑन प्रीवियस डे लो। एंड एक बात फिर से मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जब भी आप प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे काम कर रहे हो तो 1 से 1.5 घंटे के सेशन तक वेट करने के बाद अपनी पोजीशन को जो है देख करके स्केयर अप कीजिए। अगर तो मार्केट आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो
तो बेटर वुड बी कि कम से कम लॉस में जहाँ पे आपको दिखे वहाँ पे पोजीशन पे एग्जिट कीजिए, और अगर आपकी मार्केट आपको विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो है 40-50 पॉइंट अगर निफ्टी दे रहा है तो उसको फटाक से बुक करके एग्जिट कीजिए। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो 19,480-490 नीचे 19,370-380 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मान लीजिए बाजार यहाँ पे खुला राइट 19,430-425 के आसपास फॉर एग्जांपल, तो मार्केट में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगेन मार्केट में 19,370 डाउन साइड पे, और अगर मैं इसका टेल ऊपर बनाऊं तो टेल जो है मुझे करीबन 19,475 के आसपास देखने को मिल सकता है राइट। चलिए इसको भी एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके और दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए ओके, इसको डिलीट करते हैं राइट। सो ओवरऑल मैं बात करूंगा अगर निफ्टी की तो ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज ही रहने वाला है, कोई इतनी ज्यादा बड़ा कोई स्विंग देखने का मिलने का चांसेस नहीं है, कोई बड़ा स्विंग एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए ओके रहने देते हैं इसको। अब अगर मार्केट इनकेस फ्लैट ओपनिंग होता है तो उस केस में क्या रह सकता है, तो उस केस में बाजार जो है ऊपर थोड़ा सा हाई कल टेस्ट कर सकता है चांसेस, और डाउन साइड पे 19,390-380 और अप साइड पे 19,480। तो ओवरऑल 100 पॉइंट के विद इन द रेंज मार्केट जो है मोमेंटम कर रहा है, जैसा कि आप पिछले दिनों भी देख रहे हैं करीबन 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट जो है मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी की डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे कि क्या किस देखना जरूरी है, किस तरीके से मार्केट ओपन होगा कल, गैप अप गैप डाउन या मार्केट फ्लैट। आज पंजाब एरियाज में जो है इंटरनेट बंद होने की वजह से डाउन होने की वजह से, बिकॉज यहाँ पे फ्लड का जो है वार्निंग इशू हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है मुझे यहाँ पे सिस्टम पे ही दिखाना पड़ा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम कल के एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद करेंगे कि किस तरीके से मार्केट ओपन हुआ और क्या नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो कीप लर्निंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज, आज के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।